ना हम इस समय मौजूद हैं कंडोली नाला जो उधमपुर से कम 70 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की ब्यूटी और हरियाली के बारे में अगर आप जानेंगे तो क्या ठंडक यहाँ पर महसूस हो रही है वो आप देख ही सकते हैं। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि कैमरे को चारों ओर घुमा कर दिखाएँ कि ये कंडोली इलाके की ब्यूटी और तमाम वो लोग भी हमारे जितने भी जेके यूट्यूब अपडेट के व्यूवर्स हैं वो इस चीज़ को देखें और ज़रा गौर से देखें। तो अभी हम आप लोगों को लेके चलते हैं एक शॉप पर जहाँ पे कुल्हाड़ी खाने को मिलेगी। तो हम हमारे साथ हमारे दोस्त भी थे तो हमने समझा क्यों ना हम भी जो है इनके साथ पूरा मज़ा लें, क्योंकि एक यहाँ की VDC की एक मीटिंग थी, VDC की मीटिंग को लेकर हम यहाँ पर आए थे और हमने समझा कि आज क्यों ना जो है वो कुल्हाड़ी खाई। कुल्हाड़ी को अगर आप देखना चाहेंगे किस तरीके से बनती है। जनाब क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। कितना टाइम हो गया ये कुल्हाड़ी आप जो बनाते हैं? बड़ी अच्छी बनाते हैं, काफ़ी फेमस है यहाँ। हो गए 5 साल बनाते हुए। 5 साल? 5 साल हो गया आपको बनाते हुए? अच्छा, और कितना टाइम लगता है इनको बनाने? एक बनाने में लग जाता है 10 मिनट। अच्छा, दूध की बनती है ये। तो कितना टाइम हो गया आप ये शॉप करते हुए कुल्हाड़ी? ये हो गए 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए ये काम। अच्छा काम चलता है यहाँ पर? ठीक चलता है। टूरिस्ट वगैरह कोई आता है यहाँ पर घूमने? टूरिस्ट भी आते हैं कभी कभी। अच्छा। मतलब थोड़ी रोड की प्रॉब्लम है, रोड अच्छा नहीं है तो टूरिस्ट कहाँ आएगा। अच्छा। अगर आप भी इस एरिया में आए तो जरूर विजिट करें ये शॉप। आपको जैसे ही एक पुल का किनारा क्रॉस करेंगे तो ये शॉप आपको जो है वो देखने को मिलेगी और कुल्हाड़ी जरूर खाएं, बड़ी स्वादिष्ट है, मज़ा आ जाएगा अभी अगर खाएंगे तो। यहाँ पे काफ़ी हमारे दोस्त भी हैं, हमारे साथ सांबा से आए हुए सुरेंद्र जी भी हैं। सुरेंद्र जी आप बड़े मज़े ले रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू रोहन जी। देखो यहाँ कुल्हाड़ी खाने के कुल्हाड़ी खाने का हमारा एक मूड था, हमने सोचा कहीं सुना था ये महेंद्र सिंह की दुकान है, बहुत फेमस दुकान है ये। अच्छा। तो इसलिए हमने सोचा, किसी ने हमें पीछे रास्ते में बताया, हमने पूछा था कुल्हाड़ी के बारे में, उन्होंने बताया महेंद्र सिंह का नाम लेके। अच्छा। कि सुना है कि बहुत अच्छी कुल्हाड़ी बनाते हैं। अच्छा। आप चेक करके आपको बताएंगे कैसा लगता है। आप ही खा रहे? देखिए रावण जी, हम तो आए थे जहाँ पे मीटिंग थी हमारी एक, जहाँ पे मोंगरी में। अच्छा, मीटिंग के बारे में नहीं, कितना मजा ले रही? तो अब हमने सुना था जहाँ महेंद्र सिंह की दुकान है कंडोली नाले पे, जहाँ की कुल्हाड़ी बहुत मशहूर है। महेंद्र सिंह आपको जानने वाले यहाँ पर आए हैं, कितनी खुशी होती है जब लोगों के साथ मुलाकात होती है तो आपके दोस्त भी यहाँ पर आए दूर दराज इलाके, जैसे सांबा से चल के यहाँ पे उधमपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पर यह पहाड़ी इलाके में आप कुल्हाड़ी बनाते हैं, तो कितना अच्छा लगता है जब दूर दराज इलाके के लोग आपके पास खाने के लिए आते हैं कि आप कुल्हाड़ी जो है वो बहुत अच्छी बनाते हैं, तो कितना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। ये थे हमारे साथ यहाँ के शॉपकीपर, उन्होंने ख़ास तौर पर बताया कि बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे पास दूर दराज इलाकों से जो है लोग आते हैं। मैं फिर से बताऊंगा, ये कच्चा रोड है कि अनडिवेलप एरिया है, इस रास्ते को जो है वो डिवेलप किया जाए और कुल्हाड़ी का पूरा नज़ारा लिया जाए, क्योंकि हमारे दोस्त भी आए हुए थे, ये भी खा रहे हैं, इनको भी दिखाएंगे हमारे कैमरामैन के नज़ारे पूरे हैं। देखिए रावण जी, मैं कहना चाहता हूँ कि ये टूरिस्ट एरिया है। हाँ। मेरे हिसाब से। अच्छा, ठंड कितनी लग रही है? ठंड तो है जहाँ पे, अभी गर्मी का मौसम है, हम जब उधमपुर से आए कितनी गर्मी थी। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट से भी, मैं अपील करना चाहता हूँ, जो भी हमारे मेरे भाई जो देख रहे हैं दृष्टि, जितने भी देख रहे हैं हमारे भाई, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस एरिया को निगलैक्ट किया जा रहा है और ये टूरिस्ट के हिसाब से बहुत बढ़िया एरिया है और इसको मैं कहना चाहता हूँ कि इसको टूरिस्ट मैप पर लेना चाहिए इस एरिया को। अच्छा। जब मोंगरी पड़ती है, इसके साथ ही पंचारी पड़ती है दूसरी साइड। अच्छा। तो जहाँ की कुल्हाड़ी है उसका हम जाए कर रहे हैं हम, तो आप भी करिए मेरे साथ। मैं भी करूँगा, मेरे लिए डाली हुई है तो मैं भी खाऊँगा। मैंने सोचा क्यों ना लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। ये पीछे का बैकग्राउंड अगर देखेंगे कैमरा घुमाकर, ये कच्चा रोड है और दूर दराज इलाके 70 किलोमीटर उधमपुर से दूर ये इलाका है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का एरिया है, तो हम चाहते हैं कि क्यों ना इसको डेवलप किया जाए। ये कहीं ना कहीं इसको इग्नोर किया जाता है। हम दरख्वास्त करते हैं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की आगे कि इस चीज़ पे, इस एरिया पे नज़र डालें, क्योंकि ये बड़ा बैकवर्ड एरिया है और इसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता है, क्योंकि ये एक पिकनिक स्पॉट भी बन सकता है। अगर इस
इलाके की बात करें तो ये इलाका बहुत खूबसूरत है, और जब हमने लोगों के साथ मुलाकात की तो लोगों की, जनाब आपको कितना अच्छा लगता है अपने इलाके में घूमना और मौसम इतना अच्छा है? धन्यवाद भाई साहब, क्योंकि पहले तो आपका धन्यवाद क्योंकि आपके माध्यम से जो आप हमारे इस एरिया के बारे में पूछ रहे हो तो मैं भी हम भी बताना चाहेंगे। तो भाई साहब ऐसा है, हमें तो अच्छा ही अच्छा लगता है क्योंकि हमारी जन्मभूमि है, लेकिन हम ये चाहते हैं जहाँ के लोग के बहुत भेगवाड़ पिछड़ा हुआ इलाका है, जहाँ पर कोई भी राजनीति तौर पर कोई भी लीडर जो वोट मांगने आते हैं बाद में कोई हमें पूछना नहीं आता है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि हिल एरिया है, पहाड़ी एरिया है, जहाँ पर जितने भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं उनमें कुछ ना कुछ देवस्थान, कुछ माता कालिका माता का मंदिर है, कुछ ऐसे ऐसे देवते हैं। तो बागरे इस एरिया को अगर टूरिस्ट के तौर पर अगर लिया जाए तो ये हम लोगों का एक बहुत, हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। बट सर ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि काफ़ी देर से हम भी प्रयास कर रहे हैं, कोई भी राजनीतिक लीडर जब आते हैं हम बार बार यही हम उनके आगे भी फरियाद रखते हैं, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। तो धन्यवाद भाई साहब, आपने भी इस हमारी इस बात को सुना तो आप भी प्रयास करें इस बात को मीडिया पे ज़रा हाईलाइट करें ताकि हमारा इन लोगों का कुछ हो सके। धन्यवाद। ये थे यहाँ के लोग, बड़े खुश लोग हैं और बड़ा अदब करते हैं जब इंसान इनके पास पहुँचता है। तो हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिसी बनाए जो बैकवर्ड एरिया के लोग हैं और बैकवर्ड एरिया हैं उनको डेवलप किया जाए, क्यों ना वो डेवलपमेंट से काफ़ी दूर है। ये रिपोर्ट थी पंडोली नाला से। अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पंडोली नाला की तस्वीरें हैं। अगर आप लोगों को बताई जाए तो ये एरिया जो है वो डेवलपमेंट से काफ़ी दूर है, ये एरिया डेवलपमेंट से काफ़ी दूर है, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस एरिया पर ध्यान दे ये पिकनिक स्पॉट की तरह भी बन सकता है, क्योंकि दूर दराज इलाके के लोग जो उधमपुर से और जम्मू से कहीं ना कहीं पत्नीटॉप और ऐसे इलाकों में जाते हैं, कहीं ना कहीं मौसम में तो तब्दीलियाँ आ सकती हैं। फिलहाल हर एक रिपोर्ट के साथ आप देखते रहें जेके यूट्यूब।